वेलकम टू बानिक यूट्यूब चैनल। मैं रुपेश कुमार सिंह अगेन आप सभी का स्वागत करता हूं बानिक के इस यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है वो अगेन आपके पॉलिटी के ऊपर होने वाला है। देखिए, आप सभी को पता होगा कि हमारा जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी जो भारतीय संविधान है, इट इज ए बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। यानी हम लोगों ने क्या किया है, बहुत सारे कंट्री का जो संविधान है उसको क्या किया, एनालिसिस किया है, और उस एनालिसिस के बाद जो चीज हमारे देश के लिए सूटेबल है उसको हम लोगों ने वहां से क्या किया है, कॉपीड किया या फिर आपका बोरोड किया है। तो मैं आज आपको बताना जा रहा हूं कि इंडिया का क्या क्या, कौन कौन से कंट्री से बोरोड किया गया है। जैसे कि सबसे पहले आ जाओ आप लोग यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, या फिर आप लोग ब्रिटेन भी बोल सकते हो, वहां से क्या क्या बोरोड किया गया है। तो वहां से बोरोड किया गया, याद रखिएगा, आपका पहला तो बोरोड किया गया आपका कैबिनेट सिस्टम, हमारा जो कैबिनेट सिस्टम है उसको बोरोड किया गया आपका। उसके बाद नॉमिनल हेड, हमारे प्रेसिडेंट रहेंगे, देखो नॉमिनल हेड बोल रहा हूं, यानी जो नॉमिनल देश के जो सबसे बड़े आदमी होते हैं वो कौन होते हैं, आपका प्रेसिडेंट होते हैं, वो बोरोड किया गया है कहां से, तो वो भी बोरोड किया गया आपका, याद रखिएगा, यूके से बोरोड किया गया है। बाइकार्मियल पार्लियामेंट, यानी जो लोकसभा राज्यसभा जो होता है, डबल हाउस होता है, वो बोरोड किया गया है कहां से, वो बोरोड किया गया आपका यूके से बोरोड किया गया आपका। नेक्स्ट, पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी देश में क्या रहेंगे, एक प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, ये भी बोरोड किया गया है कहां से, तो इसको भी बोरोड किया गया, याद रखिएगा आपका, यूके से बोरोड किया गया है। स्पीकर इन लोकसभा, लोकसभा में एक स्पीकर रहेंगे, दैट इज ऑल्सो बोरोड फ्रॉम द यूके। नेक्स्ट, यू कैन से दैट सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल नागरिकता होता है, ओके, स्टेट के लिए हो कि किसी भी, अगर आपका उड़ीसा का नागरिकता लिए हो तो ऑल ओवर इंडिया में आप लोग वही नागरिकता ले सकते हो, वही मतलब वही नागरिकता से आप लोग का रह सकता है, सिंगल सिटीजनशिप, दैट ऑल्सो बोरोड फ्रॉम द यू कैन से दैट यूके, क्लियर। तो और एक चीज याद रखिएगा, लोअर हाउस मोस्ट पावरफुल, यानी लोकसभा क्या रहेगा, ज्यादा ताकतवर रहेगा, ज्यादा पावर रहेगा आपका राज्यसभा से। तो ये सारे चीजें जो हैं ये बोरोड किया गई कहां से, ये बोरोड किया गया, याद रखिएगा आपका, यूके, ब्रिटेन, और या फिर बोल सकते हो आपका इंग्लैंड से बोरोड किया गया है। नेक्स्ट आते हैं हमारे अमेरिका, यूएसए, वहां से बोरोड किया गया, याद रखिएगा आपका, भारतीय संविधान का जो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान लिखा हुआ है वो बोरोड किया गया आपका, ओके। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट बी द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्सेस, दैट इज द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ये बोरोड किया गया वहां से। नेक्स्ट बोरोड किया गया आपका, द वाइस प्रेसिडेंट एज एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी जो वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे वो क्या रहेंगे, राज्यसभा के चेयरमैन रहेंगे, ये बोरोड किया गया आपका। नेक्स्ट बोरोड किया गया आपका फंडामेंटल राइट्स, आपको जो राइट्स दिए गए हैं, जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, ये भी बोरोड किया गया आपका, आपका यूएसए से बोरोड किया गया है। उसके बाद आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया, नेक्स्ट स्टेट प्रोविजन हो गया आपका, रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हो गया आपका, प्रियम्बल, जो हमारा भारतीय संविधान का जो प्रियम्बल है वो हो गया आपका, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया आपका, क्लियर, 5 ईयर्स प्लानिंग हो गया आपका, क्लियर। तो दीज ऑल बोरोड किया गया कहां से, ये सब बोरोड किया गया आप लोग बोल सकते हो यूएसए से बोरोड किया गया है। नेक्स्ट जो कंट्री है वो हो गया, याद रखिएगा आपका, रसिया, क्लियर, यूएसएसआर, रसिया, जो पहले तो यूनियन आपका संघ हुआ करता था, अभी रसिया हो गया है, तो यूएसएसआर से क्या क्या बोरोड किया गया है, तो वहां से बोरोड किया गया, याद रखिएगा, पहला तो फंडामेंटल ड्यूटीज, जो आपका फंडामेंटल ड्यूटी, आप अगर भारत के हो तो कुछ आपके कर्तव्य है देश के प्रति, क्लियर, वो बोरोड किया गया है। और बोरोड किया गया, याद रखिएगा, पंचवार्षिक योजना, 5 ईयर्स प्लानिंग, इसको बोरोड किया गया, याद रखिएगा आपका, रशिया से बोरोड, आपका रशिया बोल सकते हो या फिर यूएसएसआर बोल सकते हो, वहां से बोरोड किया गया है। नेक्स्ट होता है आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से बोरोड किया गया, याद रखिएगा, कनकरेंट लिस्ट के बारे में आपको, मैं जो प्रीवियस वीडियो था पॉलिटी का उसमें आपको बताया गया था कनकरेंट लिस्ट के बारे में। उसके बाद बोरोड किया गया, याद रखिएगा, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, प्रियम्बल में जो लैंग्वेज यूज हुआ है उसको बोरोड किया गया आपका ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद बोरोड किया गया, याद रखिएगा, ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा का जो ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है, क्लियर, उसको बोरोड किया गया आपका ऑस्ट्रेलिया से। एंड आर्ट ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन द स्टेट, यानी एक स्टेट के बीच में जो व्यापार होता है इसको भी बोरोड किया गया, याद रखिएगा आपका, ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट आते हैं हम लोग आपका जापान,
जापान से क्या बोर्ड किया गया है, तो जापान से बोर्ड किया गया, याद देखिएगा, लॉ ऑन विच सुप्रीम कोर्ट वर्क्स, क्लियर। सुप्रीम कोर्ट जो काम करता है उसका जो प्रक्रिया है उसको बोर्ड किया गया, याद रखिए कहां से, तो उसको बोर्ड किया गया, याद रखिएगा, आपका जापान से। नेक्स्ट आते हैं कंट्री, जर्मनी। जर्मनी से बोर्ड किया गया, याद रखिएगा, आपका सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। आपको पता होगा जब देश में इमरजेंसी लगता है तो आपके जितने भी फंडामेंटल राइट है उसको क्या कर दिया जाता है, आपका सस्पेंड कर दिया जाता है, क्लियर। तो दो आर्टिकल को छोड़ के, याद रखिएगा, दो फंडामेंटल राइट छोड़ के, एक होता है आपका आर्टिकल 20 और एक होता है आपका आर्टिकल 21, ये दोनों को छोड़ के आपके सारे फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया जाता है। ये बोर्ड किया गया कहां से, तो ये बोर्ड किया गया, याद रखिएगा, आपका जर्मनी से बोर्ड किया गया है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग आपका साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोर्ड किया गया है, वो होता है, याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी संविधान का संशोधन, हम लोग जो चेंजेस करते हैं, क्लियर, वो बोर्ड किया गया, याद देखिएगा, आपका साउथ अफ्रीका से बोर्ड किया गया है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, याद देखिएगा, कनाडा, ठीक है, कनाडा। तो कनाडा से बोर्ड किया गया, याद देखिएगा, आपका रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, जो स्टेट होता है, जो सेंटर होता है, वो दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको बोर्ड किया गया, याद देखिएगा, आपका कनाडा से। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर, सेंटर क्या करता है, स्टेट के लिए गवर्नर अपॉइंट करता है, ये बोर्ड किया गया, याद देखिएगा, आप कनाडा से बोर्ड किया गया है आपका, क्लियर। उसके बाद आपका फेडरल गवर्नमेंट हो गया, वो भी बोर्ड किया गया, याद देखिए, कनाडा से। तो ये सारी चीजें बोर्ड किया गया आपका कनाडा से बोर्ड किया गया है। नेक्स्ट कंट्री हो गया आपका आयरलैंड। आयरलैंड से बोर्ड किया गया, याद देखिएगा, पहला तो डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आपका पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, डीपीएसपी। उसके साथ साथ बोर्ड किया गया, याद देखिएगा, आपका आयरलैंड से इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो भी बोर्ड किया गया, याद देखिएगा, आपका कहां से, आयरलैंड से बोर्ड किया गया है, क्लियर। और नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट, आपको पता होगा कि राज्यसभा में प्रेसिडेंट क्या करते हैं, टोटल 12 मेंबर को अपॉइंट करते हैं, तो वो भी बोर्ड किया गया, याद रखिएगा, कहां से, उसको भी बोर्ड किया गया, आपका आपका आयरलैंड से बोर्ड किया गया है। तो ये सारे कंट्री हैं जहां से क्या किया गया है, बाहर बहुत सारे चीजों को बोर्ड किया गया है। आने वाले एक YouTube वीडियो में मैं आपको इसको याद करने का ट्रिक बताऊंगा, किस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हो ट्रिक के द्वारा। और इससे पहले मैं एक और वीडियो बनाया था जिसमें आपको भारतीय संविधान के शेड्यूल्स के बारे में भी आपको बताया गया था ट्रिक के माध्यम से, क्लियर। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो भी जाके वहां पे देखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज के लिए और ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के लिए। थैंक यू सो मच।